अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ हूं आफताब सैफी। दोस्तों जब से सेल्फ-पेस ट्रेनिंग पार्ट्स मैंने आपको देना शुरू किया है तब से कुछ कमेंट्स आना शुरू हुई है कि सर आप मारना तोड़ना फोड़ना सिखाइए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, कभी कभी सिचुएशन हमारे सामने ऐसी होती है जब हमारे सामने दुश्मन के रूप में हमारे दोस्त पड़ोसी भाई रिश्तेदार होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें सामने वाले को मारना तोड़ना फोड़ना नहीं होता, सिर्फ अपना बचाव करना होता है। इसी सब को ध्यान में रखते हुए मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपको जो है सही राह दिखाई जाए, ना कि गलत राह दिखाई जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सेल्फ-पेस ट्रेनिंग के पार्ट फोर में आप सीखेंगे, दुश्मन अगर आपको इस तरीके से ग्रिप कर लेता है तो आपको इस पोजीशन में क्या करना है। तो ध्यान दें, सबसे पहले आपको अपने लेफ्ट हैंड से इस तरीके से ग्रिप करना है और दुश्मन को बिगर मारे कंट्रोल करना है। ये ध्यान रहे, यहां से आपको ग्रिप करना है और उसके बाद जो हमारा दूसरा हाथ है जो ओपन है हमारा फ्री है, उस हाथ से क्या करना है आपको इस तरीके से यहां पर लाना है और एक छोटा सा कमेंट्स करना है, भाई क्या हो गया, छोड़ दे, गलती हो गई। उसके बाद क्या करना है, उसका सारा फोकस आपकी तरफ होगा, आप हमें आप डाल के रखना है सामने और तुरंत आपको क्या करना है यहां से इस तरीके से अटैक करना है। इस तरीके से हल्का अटैक करेंगे, ज्यादा भी नहीं करना है, नॉर्मल अटैक करेंगे तो भी चलेगा क्योंकि हमें सिर्फ कंट्रोल करना है, ना कि मारना तोड़ना फोड़ना है इसको। तो हल्का सा इस तरीके से करेंगे, उसका सारा ध्यान क्या होगा अटैक पे होगा और यहां से ये हाथ लूज हो जाएगा। जो रियल तरीका है मैं वो आपको बता रहा हूं, तो फेक तरीका भी है, रियल तरीका है, बिल्कुल जेन्युइन 100%। तो इस तरीके से करना है और तुरंत इस हाथ में डालाना है और कराई के इस वाले हिस्से पे ध्यान रखना है, यहां से ग्रिप नहीं करना है आपको, ऊपर की साइड से ग्रिप करना है। तुरंत क्या करना है आपको 1 2 एंड यहीं से थोड़ा डाउन होना है, खींचना नहीं पीछे, डाउन होने के बाद खींचना इस तरीके से। इधर से देख लेते हैं एक बार, स्टेप 1 ग्रिप, स्टेप 2 लेफ्ट हैंड ग्रिप करना है, ट्यूब पकड़ लेना है दुश्मन के, स्टेप 3 अटैक करना है इसे, देखिए सामने अटैक करना है हल्का सा, स्टेप 4 तुरंत नीचे करना है इस तरीके से। और देखिए ये मैंने एक हाथ से ग्रिप कर रखा है, उसके बाद में अगर मैं हल्का सा एक गियर डाल दूंगा इसमें आगे, देखिए इतना पैन हो रहा है कि हाथ ये टूट भी सकता है यहां से, अगर आपने पूरी पावर इसमें एकदम लगा दी झटके से तो ये गट्टा यहां से टूट जाएगा, कलाई यहां से टूट जाएगी। तो आपको ज्यादा नहीं करना है, नॉर्मल करना है, सिर्फ उसको दुश्मन को आपको कंट्रोल करना है। दोस्तों इस वीडियो को अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर ले ताकि आपको समय से वीडियो मिलती रहे, और अगर Facebook पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर ले। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और हो सकता है तो वीडियो को शेयर भी करें। जल्द मिलेंगे सेल्फ-पेस ट्रेनिंग पार्ट 5 में, फिलहाल दे इजाजत, जय।